नमस्कार, सत श्री अकाल। रियलिटी ऑफ द पेज से आज तुहाडा सारिआं दा फिर तों स्वागत है। जिदां आपां पिछली बार डिस्कस कीता सी सिंगल एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज इन आईवीएफ, तां अज दा अपना विषय है ब्रेस्ट डिस्चार्ज। तां अज दे आपां विषय दे विच आपां जाणांगे कि ब्रेस्ट डिस्चार्ज की हुंदा है अते की कंप्लेंट्स हुंदियां ने कि प्रेगनेंसी दे विच की इफेक्ट करदा है। तां आओ मिलदे डॉक्टर माधवी अरोड़ा सेठी जी नाल ते डिस्कस करते हैं अपना अज दा टॉपिक। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम, सब तो पहला से पूछना चाहूंगे कि ब्रेस्ट डिस्चार्ज के रिगार्डिंग पेशेंट अपने को की कंप्लेंट्स लेके आंदा गा। ब्रेस्ट डिस्चार्ज देखो, बहुत से मरीज ऐसे हैं, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो आगे कहती हैं कि हमें वैसे तो हम लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, लेकिन साथ में जब हम ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं निपल्स पे तो हमें मिल्क जैसा या पानी जैसा डिस्चार्ज सा फील होता है। होता बहुत थोड़ा सा ही है, एक आधा ड्रॉप भी, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सबसे कॉमन कंप्लेंट्स जो पेशेंट्स लेके आते हैं। मैम, ब्रेस्ट डिस्चार्ज दे रिगार्डिंग कि अपन कोई टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं? ब्रेस्ट डिस्चार्ज मोस्टली जब रहता है तो एक हार्मोन रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो कई बार रेज रहता है, पेशेंट का बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मल वैल्यूज उसकी 20 से 28 के बीच तक रहती हैं। अगर उससे ज्यादा है तो पेशेंट को हम मेडिकेशन पे डाल के हॉर्मोन वापस नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं, और अगर 100 से भी ऊपर रहता है तो उस केस में हमें पिट्यूटरी में कोई छोटा सा एक ट्यूमर तो नहीं बन रहा, वो चेक करने के लिए एमआरआई वगैरह भी कराना पड़ सकता है। और दूसरी बात, पिट्यूटरी से के जिस पार्ट से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है उसी पार्ट से थायराइड हार्मोन भी रिलीज होता है, टीएसएच हार्मोन। तो जब भी हम प्रोलैक्टिन कराते हैं टीएसएच साथ में जरूर कराना चाहिए, क्योंकि एक ही साइड से अगर वो हार्मोन रिलीज हो रहा है तो हो सकता है कि थायराइड लेवल्स भी बढ़े हुए हों और उसको थायराइड की मेडिकेशन की भी जरूरत हो मरीज को। मैम, की तुसी सानू दस सकदे हो कि ब्रेस्ट लंप एंड ब्रेस्ट डिस्चार्ज की सिमिलर कंडीशन है? नहीं, ब्रेस्ट लंप कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। ब्रेस्ट लंप में हम कुछ बिनाइन ट्यूमर्स या फिर हम कैंसर्स वगैरह रूल आउट करते हैं। ब्रेस्ट लंप नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, बट ब्रेस्ट डिस्चार्ज कंप्लीटली एक हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ, ब्रेस्ट डिस्चार्ज में कई बार जो डक्ट्स जिससे मिल्क रिलीज होता है वो डक्ट्स डायलेटेड होती है कभी कभार, उसकी वजह से भी होता है। जब आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल है बट फिर भी डिस्चार्ज आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड करके डक्ट का डायलेटेशन वगैरह हम चेक करा सकते हैं, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करा के। इस दे नाल ही अपना जड़ा नेक्स्ट वाले है हो जाता है कि मैम, ब्रेस्ट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी दे विच की प्रॉब्लम्स जड़ियां ने वो पैदा कर सकता है? ब्रेस्ट डिस्चार्ज जो है कई बार अंडा नहीं बनने देता, ओविलेशन होने में बीच में इंटरफेयर करता है। तो अगर पेशेंट के ये सब हॉर्मोन्स डीरेंज्ड हैं, पहले उनको करेक्ट करके फिर ही उसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट उसका इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर वो टाइमली हम उसको डायग्नोस कर लें और उसका ट्रीटमेंट कर लें तो प्रेगनेंसी होने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता। देखिया जाए कि अज के अपने विषय में अपन ब्रेस्ट डिस्चार्ज के रिगार्डिंग बहुत सारी इनफॉरमेशन है जी, डॉक्टर माधवी अरोड़ा सेठी जी ने साझी की है। अपन बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स ने पता लगे ने कि हो सकता कि नहीं हो सकता गा। तो नैक्सट टॉपिक फिर नैक्सट विजिट फिर तो आप डिस्कस करा एक नवे विषय के नवे टॉपिक फिर तो मिलेंगे। तद तक दे सत श्री अकाल।